नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप मोबाइल से कैसे डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हो। तो ये हमारे पास HP का 126 प्रिंटर है, क्योंकि इसमें वाईफाई सेटिंग कैसे होती है तो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले वायरलेस नेटवर्क में जाना है आपको, और यहाँ पे वायरलेस डायरेक्ट इसको ऑन करना है। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर व्यू करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये पासवर्ड है जो कि आपको अपने मोबाइल डिवाइस में डालने हैं, तो वो सर्च लिस्ट में आ जाएगा। तो उसके लिए आपका मोबाइल में वाईफाई ऑन होना चाहिए। ये मैंने इसको डायरेक्ट वाईफाई को ऑन कर दिया है। तो अब चलिए अपने मोबाइल की तरफ, उसमें आपको मोबाइल में क्या सेटिंग करनी है बता देता हूँ आपको मैं। सबसे पहले आपका वाईफाई ऑन करना है, और यहाँ पर आप देखिए ये सर्चिंग में HP प्रिंटर आ गया है, और इस पर क्लिक करना है, और जो भी पासवर्ड वहाँ है जो इसमें डालने हैं तो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। और आपको एक प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी ई प्रिंट के नाम से। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखी है, तो मैं आपको कोई भी प्रिंट देके बता देता हूँ। ये मैं जाता हूँ फाइल में, और मैं कोई भी एक फ़ाइल प्रिंट करके आपको बता देता हूँ। ये मैं ये फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देखिए ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। बिल्कुल इजी सेटिंग है, और ये मैंने जो दो पेज की कमांड दी है तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरी प्रिंटिंग निकल चुकी है। ये देखिए, ये एक पेज ही आ गया है। तो दोस्तों, ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये दूसरा पेज भी आ गया है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।